अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम और राज्य में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने विधानसभा के अंदर एक हैरान करने वाली बात कह दी। सुशील मोदी ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दरअसल बीजेपी का ये बदला रुख इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने रविवार को ही आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात की थी, जिसको लेकर कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मारने वाले हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने अपना सीक्रेट गेम शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी और शाह ने अब तक बिहार के सियासी हालात के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और अनुमान यह है कि वक्त आने पर बीजेपी नीतीश कुमार को तगड़ा जवाब देगी। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में ही बीजेपी को फायदा होगा और कोशिश होगी कि दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़े और चुनाव के बाद अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिल गई तो नीतीश पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। ऐसा बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिली। और अगर मोदी का ये मंत्र बिहार में काम कर गया तो समझिए कि नीतीश कुमार की जगह अगली बार बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।